शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सच्श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सब का इस सत्र में स्वागत है। अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे और आज हम गणेश चतुर्थी के महत्व को जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ के लिए, क्या रेलेवेंस है, वो सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अभी हम रोज की तरह पहले कहते हैं ना, कभी भी काम करो तो पहले प्रभु का नाम लो, तो पहले राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो सभी अपनी मनोवृत्तियों को चारों तरफ से एकाग्र करके अपने भ्रिकुटी में आ जाओ। भ्रिकुटी अतींद्रिय पॉइंट है, सुपर सेंसुअस पॉइंट है ये। यहां पर सभी इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं। ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला अतींद्रिय पॉइंट है। यहीं से सब आज्ञाएं मिलती हैं, इसलिए इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहीं पे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं एकाग्र करते हैं। इसको शिव नेत्र भी कहते हैं, शिव प्रदत्त नेत्र। शिव बाबा ने आके हमें इस नेत्र का ज्ञान दिया है, ये प्रज्ञा चक्षु है। शंकर जी की तीसरा नेत्र यही दिखाते हैं, तीसरी आंख। कहते हैं कि इसके खुलने से कामदेव भस्म हो गया, काम विकार समाप्त हो जाता है। तीसरे नेत्र में स्थित होने से काम वासना समाप्त हो जाती है, कामनाएं वासनाएं इच्छाएं तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। इस बिंदु पे टिकना है, यही विजय तिलक देते हैं। यही बिंदी लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है, क्योंकि यहीं पे हमें टिकना है। बहने भाइयों को यही टीका लगाती हैं, मेरा भाई यहाँ टिक जा। दिस इज द रीजन ऑफ द सोल। तुम शरीर नहीं हो। आज भी ब्रह्मा कुमारी बहने सभी भाइयों को यही तिलक लगा रही हैं, लेकिन ये तिलक अविनाशी है, कभी मिटता नहीं है। वो तिलक तो मिट जाता है, ये स्मृति का तिलक है, आत्म स्मृति का तिलक। ये भ्रिकुटी में हम सबके अविनाशी लगा हुआ है, लेकिन हम भूले हुए हैं, विस्मृत। यहाँ टिकना है। ज्योतिर्मय स्थान है,
ओज तेज यहीं से प्रकट होता है। अपनी चेतना को यहां फोकस करना होता है, अपने आप में टिकना है। आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस भाव को मन में 5 बार रिपीट करो और साथ साथ अनुभूति भी करो कि आई एम ए सोल, डिवाइन सोल, आई एम नॉट ए बॉडी मेड अप ऑफ 5 major elements, मैं 5 तत्वों का बना शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा यंत्र है, शरीर मेरा साधन है, मैं साधक हूं, मुझे इस साधन द्वारा साधना करके साध्य की प्राप्ति करनी है, मेरा साध्य मेरा ईश्वर है, मुझे ईश्वर जैसा होना है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सत श्री अकाल मूरत है, वो नूरे इलाही है। खुदा का नूर ज्योतिर्लिंगम शिवम स्वरूप राम और कृष्ण भी जिसकी पूजा करते हैं, वही ज्योतिर्मय परमात्मा ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, वही शिव बाबा प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये शरीर के माता पिता तो इस संसार के हैं, शरीर के माता पिता अलग हैं, आत्मा का माता पिता एक परमात्मा है जो सभी धर्म की आत्माओं का पिता है। गॉड इज वन। हम सभी एक पिता की संतान हैं। आत्मा रूप में सभी भाई भाई हैं। हमारा वास्तविक धर्म एक ही है, आत्मा का धर्म। बाह्य धर्म अनेक हैं, भीतर का धर्म एक है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सत्य स्वरूप। मैं परमेश्वर की संतान हूं, परम आत्मा की संतान हूं, सुप्रीम सोल की संतान हूं। मुझे नशा होना चाहिए, मेरा पिता कितना ऊंचा है। गुरबाणी में लिखा है, अत ऊंचा ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारो आरा। उसका जो दरबार है बहुत ऊंचा है, अत ऊंचा ताको दरबारा। वो परम धाम वासी है, धर्म ग्लानी के समय आता है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है,
हम सब सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हैं। हमें सत्य स्वरूप होना है, हमें शिवम स्वरूप होना है। शिवम माना शुभम, कल्याणकारी स्वरूप होना है। हमें इस संसार को सुंदर बनाना है, खुद को सुंदर बनाना है। सुंदर वही है जिसके विचार सुंदर हैं, जिसके संस्कार सुंदर हैं, वही सुंदर है। हम सभी उस एक पिता की संतान हैं। जब हम उसको याद करते हैं तो हमारी याद परमात्मा को पहुंच जाती है। जितना प्रेम से याद करते हैं उतना परमात्मा के पास हमारी याद पहुंच जाती है। परमात्मा रेसिप्रोकेट करते हैं। जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती है हमारी, जितनी बुद्धि पवित्र होती है हमारी, उतना हम कैच कर लेते हैं। जितनी बुद्धि अनडिस्टर्ब्ड होती है उतना हम कैच कर लेते हैं। कभी ऐसा अनुभव करो कि परमात्मा की किरणें, परमात्मा की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। आत्म भाव में स्थित हो सोचो। मेरा ये शरीर भी समझो प्रकाश का बना है, ईश्वर की प्रेम आनंद शक्ति की किरणें मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। मैं कवच के भीतर हूं। वो कवच पिरामिड की तरह बना हुआ है, जैसे मंदिर सभी पिरामिड की तरह बने होते हैं। वोल्टेक्स पे परमात्मा है। मेरे चारों तरफ ईश्वरीय प्रकाश का रक्षा कवच है, गॉडली शील्ड है। जैसे वहां कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाते हैं, कोरोना से रक्षा होती है, यहां पर गॉडली शील्ड पहन लेंगे तो आत्मा की अनेक प्रकार की वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं, विकारों से रक्षा होगी। प्रभु पिता की याद से मैं आत्मा वाइसलेस बनती जा रही हूं, विशेष से वाइसलेस। धीरे धीरे आत्मा पवित्र हो रही है, विचार पवित्र हो रहे हैं, संस्कार पवित्र हो रहे हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए और हम सब इसी दशा में, इसी भाव दशा में इस गीत का श्रवण करेंगे। ओम शांति। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे खो गए। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। जो हुई थी भूल हमसे, भूल सारी
आत्मा जो भटकती थी, भटक पूरी हो गई। ज्ञान शिव का पाके हम दूषण से भूषण हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी ज्योति खो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। सारी बात सारी जिंदगी में देख लो, बस हो जाने की है। तुम मेरे हो गए, मैं तेरा हो गया। जब मनुष्य की शादी होती है तो सिर्फ एक ही संकल्प होता है वहां पे भी, नहीं तो लड़की कहीं की होती है, लड़का कहाँ का होता है। बस मन से वो कहते हैं एक दूसरे को, मैं तेरा तू मेरी। बस उस दिन से गठबंधन हो जाता है। हर रिश्ते में यही है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरापन। अब हमें उस मेरा को परमात्मा पे भी लागू करना है। दुनिया में तो मेरा मेरा बहुत कर लिया, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा मेरा मेरा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, तेरा तेरा तेरा, बस इतना सा खेल है। बोलिया रब दा की पाउना, इधरों फुटना ते इधर लाउना। परमात्मा का पाना क्या है? मन को इधर से उठाना, इधर लगा देना है। मेरा को तेरा में कन्वर्ट करना है। अब आप कहते हो हमारा घर, अब कहो ये तो प्रभु का दिया हुआ है, ये बच्चे प्रभु पे दिए हुए हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा क्या लगता है, क्या लेके आया था मैं, क्या लेके जाऊंगा यहां से? एक संस्कारों की पूंजी, पुण्य कर्मों की पूंजी, यही साथ जानी है। उसी के हिसाब से मुझे नेक्स्ट बर्थ मिलना है। बाकी जितना हमने श्वास लगाए पदार्थों को इकट्ठा करने में, वो कोई साथ नहीं जाने वाले हैं। वही श्वास सफल हैं जो हमने उस प्रभु की याद में लगाए हैं।
हमें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगाए हैं। हम प्रभु को भी याद क्यों करते हैं? इसलिए कि हम प्रभु जैसा हो जाएं, हम भी निर्मल हो जाएं, हम भी पवित्र हो जाएं, हम भी सुंदर हो जाएं, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएं। ये हमारी आंतरिक चाह है। हमें सत्यता अच्छी लगती है, हमें कल्याण अच्छा लगता है, हमें सुंदरता अच्छी लगती है। ये मेरी आत्मा की आवाज है। परमात्मा वैसा ही है। तो परमात्मा कहते हैं, इस रूप में जिंदा हो जा, और जो जिस रूप में तू आज जी रहा है उसमें तू मुर्दा हो जा। तो हमें अपने स्वरूप में जीवंत होना है, और जो दूसरा हमने मिथ्या स्वरूप ओढ़ा हुआ है उसमें हमें वहां से मर जाना है। आज गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग कहते भगवान गणेश की पूजा जरूरी है। इनको प्रथम पूजनीय माना जाता है, और सभी लोगों के ये दुख हरते हैं, विघ्न हरते हैं। तो कहते अगर गणेश की, श्री गणेश करने से पहले अगर इनकी भाव से श्रद्धा से पूजन कर लिया तो घर में सुख संपत्ति सब आ जाती है। क्योंकि इनकी जो पत्नियां हैं उनका नाम रिद्धि सिद्धि है, और इनका जो बेटे हैं उनका नाम सुख और लाभ है, और धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं, और कोई भी पूजा जो है इनके बिना अधूरी है। इसलिए सबसे पहले जो है भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं। एक बात आपको और बतानी है कि आज जिस रूप में गणपति बप्पा मौर्या अगले वर्ष तू जल्दिया, इस भाव का जो अपना महाराष्ट्र के अंदर और अब तो उत्तर भारत में भी काफी मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कराने वाले कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने 1893 में सबसे पहले जो है गणेश उत्सव की सेलिब्रेशन शुरू की थी पूना के अंदर। और तब से धीरे धीरे इसका रूप विशाल होता गया, और अब देखो आप कितना विशाल रूप है। अब तो भाद्र जो महीना होता है भाद्रपद का, इसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से, इसलिए गणेश चतुर्थी कहते हैं, क्योंकि आज चतुर्थी, चतुर्थी मैंने चौथी तारीख है, और ये कितने दिन चलता है? ये चलता है 10 दिन, और उस जिस दिन खत्म होता है उस दिन को क्या कहते हैं? अनंत चतुर्दशी। चतुर्दशी मैंने 14, तो चार तारीख को शुरू होता है और 14 को खत्म होता है, और अब की बार 10 सितंबर को माने आज शुरू हो रहा है, और खत्म कब होगा? 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी होगी। तो 10 दिन के लिए ये होता है, और लोग इनको अपने, हम NDRI में थे तो कई साइंटिस्ट हमारे हॉस्टल में, तो विशेष रूप से जो हमारे महाराष्ट्री भाई बहन थे और सारे मिलजुल के बहुत सुंदर ढंग से मनाते थे। मैं 4 साल वहाँ हॉस्टल वार्डन रहा, तो हम बहुत ही वहाँ अच्छी तरह से उसको मनाया जाता था, देखने वाला होता है। हम भी अब भी चक्कर लगाएंगे वहाँ पे, और कई साइंटिस्ट अपने घरों में भी रखते हैं, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, ऐसे इस जैसे विधान हो उस विधान के अनुसार। तो ये त्यौहार अब तो सब जगह ही लगभग मनाया जाता है, और रोज फिर पूजा आरती होती है। और वास्तव में गणेश है क्या? गणेश कहते हैं गणा नाम जीव जाता नाम यह ईशा सा गणेशा, अर्थात जो समस्त गणों तथा जीव जाति के स्वामी हैं वही गणेश हैं। गणपति भी कह देते हैं, गणेश भी कह देते हैं। जल तत्व के इनको अधिपति माना जाता है, और हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है, जो ब्लड है, उसके स्वामी माना जाता है। वो जो देवगण है, मनुष्य गण है, राक्षस गण है, इन तीनों गणों के ईश होने के कारण इनको गण ईश गणेश कहा जाता है। गण का मतलब होता है समूह। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। गणपति का मतलब ये भी होता है, अगर आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो जो लीडर है,
जो अपने समूह को लीड करता है, गण का ईश है, जो गणपति है, अर्थात जैसे आप किसी संस्थान के आप डायरेक्टर हैं, तो आप वहां के एक तरह के गण के ईश हैं। और गणेश को कैसा होना चाहिए, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, वो जो लीडर है उसका कैसा होना चाहिए, वो गणेश की व्यक्तित्व से। इसलिए कहते हैं कि गणेश जो है एक तरह सीईओ है कंपनी के, जैसे सीईओ होते हैं। तो गा शब्द का मतलब जो है, गण का अर्थ जो होता है, जो विद्वान लोग निकालते हैं, वो है गा शब्द से ज्ञान, ग से ज्ञान और ना से निर्वाण। आपकी स्थिति में दोनों होने चाहिए, ज्ञान से ही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब होता है एक तरफ मुक्ति की तरफ जाना, डिटैच हो जाना हर चीज से। तो ईश का मतलब आप जानते ही हो कि अधिपति है, जो इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भी गणेश, आत्मा ही गणेश, इंद्रियों के जो स्वामी है वो गणेश। और इनकी स्वारी क्या दिखाते हैं, मूषक, माउस, उसका काम क्या होता है घरों के अंदर, जो घरों में आके चुपचाप जो है वो चोरी से आपका सामान खा जाता है और भी बड़े नुकसान करता है। वैसे ही जो हमारे भीतर भी छुपे हुए काम क्रोध मद लोभ आदि पाप कर्म की जो वृत्तियां हैं हमारी, ये उसका प्रतीक है। और गणेश जी उस पे सवार हैं, उस अर्थात उन वृत्तियों को दबाए हुए, उनको अगर काबू में नहीं करेंगे तो वो हमें तंग करेंगी। तो इनके पास पाश है, अंकुश है, वर मुद्रा धारण करते हैं। पाश जो है वो मोह का प्रतीक है, पाश मतलब तो बांध लेना रस्सी से, जैसे ये तमोगुण प्रधान है। अंकुश जो है वृत्तियों का प्रतीक है, जो रजोगुण प्रधान है वृत्तियां जो है, और वर मुद्रा जो है वो सतोगुण का प्रतीक। उनकी उपासना करके प्राणी जो तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर उठ के ईश्वर की प्राप्ति करता है। और इनके जो बड़े कान है वो किस चीज के सूचक हैं, कि वो अधिक ग्रहणशील है। जो लीडर होता है कहीं का भी, उसको कैसा होना चाहिए, जो गणपति है, जो समूह का लीडर है, ग्रुप लीडर है, जो उसको कैसा होना चाहिए, बहुत ग्रहणशील होना चाहिए, उसको कान खुले रखने चाहिए, सुनना डबल चाहिए, बोलना थोड़ा चाहिए। उनका मुख जो है छोटा दिखाते हैं, क्योंकि इनका सिर जो है गज का है, गजानन बोलते हैं, हाथी का है। छोटी पैनी आंखें हैं, एक तरह से माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। और लंबी नाक, नाक किस चीज के काम आती, सूंड जो है वो सेंसिंग एबिलिटी, किसी चीज को सेंस कर लेना, पहले से ही भांप लेना, ये सूंड का प्रतीक। और लंबोदर बताते हैं उनको, पेट जो है बड़ा है। सबकी बातों को समाने वाला होना चाहिए जो लीडर है। कोई कुछ सुना गया, कोई कुछ सुना गया, तो अपने पेट बड़ा होने का मतलब होता है कि उन सब बातों को अपने भीतर समा लेना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर ना करना, नहीं तो क्या होगा, आपके ऑफिस में क्लेश हो जाएगा। तो इसलिए पेट बड़ा होना चाहिए, मैंने बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। और रस्सी जो है अनुशासित रहने का प्रतीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसलिए दिखाया गया है कि इनके सब के प्रतीक हैं। तो अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो हमें गणेश जैसा होना होगा। एक बार जो है गणेश जी कहते हैं कि आज के दिन जो है ना, कहते हैं चंद्रदेव को देखना नहीं होता। ये एक मतलब पौराणिक बात है कि आज के दिन आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा। एक बार जो गणेश जी है ना, अपने मूषक पे सवार होके जो है अचानक जा रहे थे, तो जो इनका चूहा था मूषक, उसको सर्प दिखा कहीं, वो थोड़ा भयभीत हो गया क्योंकि सांप से डरता है। तो जो उनकी पीठ पे सवार गणेश जी थे, ये और पौराणिक कथानक सुना रहा हूँ, तो संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी ने तभी देखा कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है, तो रात्रि के कारण आपस में कोई भी मौजूद नहीं था,
तो तभी अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि चंद्रदेव की थी। चंद्रमा हंस रहे थे। चंद्रदेव ने गणपति महाराज का उपहास उड़ाया। वो कहते हैं छोटा सा कद और गज का मुख। चंद्रदेव ने सहायता करने की बजाय विघ्नकर्ता जो गणेश जी हैं उनका मजाक उड़ाया। ये सुनते ही गणेश जी जो हैं कहते हैं उनको उत्तेजना आ गई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस सुंदरता के अभिमान में तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, क्योंकि चंद्रमा जो है धवल होता है, सफेद होता है, कहते तुम अपनी बड़ी सुंदरता समझते हो, ये सुंदरता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। उनके श्राप से चंद्रदेव का रंग काला पड़ गया और पूरे संसार में कहते अंधेरा हो गया। अब सब देवी देवता इकट्ठे हुए, अरे अंधेरा क्यों हो गया? तो मिलकर गणेश जी को उन्होंने समझाया। तो चंद्रदेव ने भी अपनी जो है माफी मांगी उनसे। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखो ये मेरा अभिशाप चलेगा नहीं, एक बार तो इनको महीने के अंदर पूर्ण रूपेण काला होना ही पड़ेगा जो अमावस का दिन होता है। तो इस तरह से ये कथानक है और लोग इनको आप जानते हो मेहमान की तरह घर में बुलाते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन। तो इसको फिर समझते हैं कि भगवान आएंगे घर पे तो खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी, घर में धर्म का वातावरण बनेगा, अच्छा वातावरण बनेगा, सतोगुणी वातावरण बनेगा और फिर ये प्रतिमा को विसर्जन कर देते हैं। तो फिर कहते हैं कि जिस धाम से वो मूर्ति आई थी वो धाम हमने वापस पहुंचा दिया है दिव्य धाम में। तो जैसे हमने बताया था गणपति, तो जो महर्षि पाणिनि थे उनके अनुसार जो है गण शब्द का अर्थ होता है अष्ट वसुओं का समूह। वसु का मतलब होता है दिशा। तो गणेश का एक अर्थ जो है उन्होंने अष्ट दिशाओं से लिया है कि गणपति जो है आठों दिशाओं के स्वामी भी हैं। जब वो उन दिशाओं में से सब अलाउ करेंगे तभी कोई देव प्रवेश कर सकता है, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। गणपति की आज्ञा के बिना कोई भी देवता किसी देव दिशा से आगमन नहीं कर सकता। ये सब मान्यताएं जो मैं बता रहा हूँ और इनको इसलिए विघ्न हरण कहा जाता है। और इसलिए एक दिन क्या हुआ, एक और कहानी है कि जो तुलसी इनके ऊपर नहीं चढ़ाई जाती उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर तुलसी चढ़ा दें तो कहते हैं नाराज हो जाते हैं गणेश जी, हालांकि तुलसी को इतना पवित्र माना जाता है। एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थी, उस समय गणेश जी वहां पर ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी जो है उनकी ओर आकर्षित हो गई और गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल दे दी, मैरिज प्रपोजल, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। तो गणेश जी के ना सुनने पे जो तुलसी देवी थी वो बहुत क्रोधित हो गई। इसके बाद तुलसी ने उनको श्राप दे दिया और कहते हैं उनको कहा तुम्हारी अब दो शादियां होंगी। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा, तुलसी का विवाह। ये हम सब जानते हैं। वो शाप सुनते तुलसी गणेश भगवान से माफी मांगने लगी। तब गणपति ने क्या कहा कि तुम्हारा विवाह जलंधर राक्षस से होगा, शंख, उसको शंखचूर्ण भी कहते, लेकिन इसके बाद तुम पौधे का रूप धारण कर लोगी और तुलसी कलयुग में जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली होगी, जीवन रक्षा वाली होगी, मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, ऐसा कहते। इसलिए तुलसी का जो है चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ये कई लोग पूछते हैं अभी तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, तो फिर शिव पुराण के अनुसार ये भी कहा महापुराण जो है कि गणेश जी की दो पत्नियां थी रिद्धि और सिद्धि और उनके दो पुत्र थे शुभ लाभ। आपने देखा ही होगा आप दिवाली पे या जब भी हो तो शुभ लाभ भी लिखते हैं और जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, साथ में लिखते हैं शुभ लाभ किसी भी चीज, उसको गणेश भी बोल देते हैं लोग स्वास्तिक को। तो ये सब प्रतीक हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण के मुताबिक एक दिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश मंदिर गए थे। उस समय जो है मतलब यहाँ शंकर जी का मतलब है, ध्यान कर रहे थे वो,
तो गणेश जी ने परशुराम को अपने पिता से मिलने नहीं दिया, तो वो परशुराम को पता ही है आपको बहुत क्रोधित हो जाते थे, उन्होंने गणेश जी पे हमला कर दिया। लेकिन जो हथियार से हमला किया था वो शिव का ही दिया हुआ था, इसलिए गणेश जी ने अपना बचाव इतना नहीं किया कि ये तो मेरे पिताजी का दिया हुआ शस्त्र है, इसलिए उनके एक दांत के ऊपर वो लगा और दांत टूट गया, तभी से उनको एक दंत कहा जाता है। लेकिन एक दंत का मतलब जो आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकता है मेरी दृष्टि में, वो है कि जो द्वैत भाव है वो समाप्त हो गया, अद्वैत में आ गए। एक का मतलब होता है अद्वैत, वहां कोई द्वेष कोई द्वैत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के साथ जो हम आत्माएं जुड़ जाती हैं, तो हम सब में भी अद्वैत भाव आ जाता है, जो भेद दृष्टि है वो समाप्त होने लगती है, हर प्रकार का द्वंद्व समाप्त होने लगता है और हम एक में स्थित हो जाते हैं। तो जो अगर आप गणेश जी को देखें, तो जो हम कुंडलनी जागरण लेते हैं तो उसमें जो मूलाधार चक्र, उसके प्रतीक गणेश जी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी जो हैं केतु ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि शरीर में जो ब्लड है उसके प्रतीक माने जाते हैं। अब जो है चूहा जो है इनकी जिंदगी में कैसे आया, उसकी सवारी इन्होंने कैसे की, तो जो गणेश पुराण है उसके अनुसार जो है ये चूहा पूर्व जन्म में गंधर्व था जिसका नाम था क्रौंच। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गलती से क्रौंच का पैर जो है मुनि वामदेव थे उनके ऊपर पैर पे पैर पड़ गया, तो मुनि वामदेव को लगा कि क्रौंच ने शरारत की है, इंटेंशनली किया है, डेलिब्रेटली किया है, तो गुस्से में आकर उन्होंने उनको क्रौंच को जो गंधर्व थे उनको श्राप दे दिया कि तू चूहा बन जा। उस श्राप के कारण जो है वो चूहा बन गया, लेकिन वो बड़ा विशाल काय था, बहुत बड़ा था, वो इतना विशाल था कि अपने रास्ते में कोई भी चीजें आती थी। हमने टीवी पे ये देखा भी था गणेश जी का कि वो फिर जो भी रास्ते में आता था उसको नष्ट करते चलता था। तो चलते 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 एक दिन वो ऋषि आश्रम में पहुंच गए, महर्षि पराशर के आश्रम में वो जो है पहुंच गया वो बड़ा चूहा। वहां पहुंच कर क्या होता है, अपनी आदत के अनुसार जितने वहां बर्तन पड़े थे मिट्टी के तोड़ दिए, उत्पात मचाने लगा, आश्रम की जो वाटिका थी उसको उजाड़ दिया, सारे वस्त्रों को कुतर दिया, जो ग्रंथ पड़े हुए थे वहां धार्मिक ग्रंथ उनको कुतर दिया। पराशर ऋषि बहुत तंग आ गए और उसी समय भगवान गणेश भी वहां आए हुए थे, तो उन्होंने ये बात उनको बताई कि हम तो बहुत तंग कर रखा है, बड़ा सा चूहा है। तो गणेश जी ने उस चूहे को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो किसी के काबू भी नहीं आता था, उनके पास जो पाश है जो रस्सी है वो फेंकी, तो वो कहते हैं पाताल लोक में भाग गया, ऐसा लिखा हुआ। तो वहां पे क्या हुआ कि वो जो पाश फेंका था उनके गले में अटक गया, सिर में वाले हिस्से में पाश की पकड़ में मूषक बेहोश हो गया फिर वो, और वो घिसटता घिसटता जो है उस रस्सी से गणेश जी के सन्मुख उपस्थित हुआ। जैसे उसको होश आया उसने अपने आप को देखा कि मैं तो गणेश जी के सामने हूँ, तो गणेश जी की उन्होंने फिर आराधना शुरू कर दी। वो डर गया कि मेरे को तो मृत्यु दंड ना मिल जाए, तो प्राणों की भीख मांगने लगा। तो कहते हैं कि गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो दुष्टों के नाश और साधु पुरुषों के लिए कल्याण के लिए आया हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि तुमने मेरी अब शरण ली है, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि क्षमा भी जो है बहुत बड़ा धर्म है, महापुरुष क्षमा कर देते हैं। इसको कहा जो वरदान चाहे मांग लो, मूषक को कहा गणेश जी ने। तो ये सुन के जो मूषक था वो अहंकार से भर गया, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी को कहता है कि आपको कोई वरदान चाहिए तो मांग लो, अहंकार है ना, अहंकारी व्यक्ति तो ये कहेगा आप मांग लो, मैं क्यों मांगूंगा आपसे। तो
जो उसकी बात सुन के वो थोड़ा मुस्कुराए गणेश जी मन ही मन में, और कहा यदि तेरा वचन सत्य है और तू चाहता है कि मैं कुछ मांगू तो तू मेरा वाहन बन जा। चूहे को कहा, बड़े मूषक को, तू मेरा वाहन बन जा। उसने कहा जरूर तथास्तु। गणेश जी मुस्कुराते हुए उस पे सवार हो गए। चूहे के ऊपर वो भी बड़ा सारा था, लेकिन अब गणेश जी का वजन भी कोई कम नहीं था। वह भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक के प्राण संकट में आ गए। तो लगा चिल्लाने, तो प्रार्थना करने लगा, कहता महाराज जी एक काम करो, मैं इतना वजन सहन नहीं कर सकता, मेरे तो पांव भी नहीं हिल रहे, मैं आपका कहाँ वाहन बन पाऊंगा, आप ना थोड़ा वजन कम कर लो अपना। तो कहते हैं कि गजानन ने फिर जो है अपना वजन कम कर लिया, तो फिर जो है वाहन बन के वो उनके साथ रहा और उसका जो घमंड था वो चूर कर दिया। तो इस तरह से जो है इस तरह की कहानियां हैं, तो ये सब प्रतीक हैं। वास्तव में जो गणेश हैं वो हम सब के भीतर हैं, जो इंद्रियों के मालिक हैं, हमें भी अपनी इंद्रियों का मालिक बनना है, और जो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी हमें उत्थान का ध्यान रखना है। जैसे गणेश जी की प्रारंभ में ही पूजा होती है, हम कोई भी काम करें तो जैसे गणेश जी की प्रारंभ में पूजा होती है, और उन्होंने क्या किया था कार्तिकेय, और जब गणेश जी को कहा कि सारे विश्व का चक्कर लगा के आओ, तो गणेश जी ने अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया था, कहा कि यही है विश्व। तो जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, माता पिता को सर्वस्व मानता है, वही जो है गणेश है। और वो तो हम जानते हैं कि गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो जानता ना हो कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कि पार्वती जी ने नहाने के समय उनको जो है वो पैदा किया था। अब कोई कहते हैं शरीर में से उपटन कह लो, कुछ उससे पैदा किया, तो उनका जो जन्म है वो भी डिवाइन है, उनका जन्म कोई दूसरे ढंग से नहीं हुआ, दिव्य जन्म उसको कह सकते हैं। और फिर उनको कहा था मैं स्नान कर रही हूँ तो आप बाहर खड़े रहिए, तो शंकर जी आए तो उसने उनको भी एंटर नहीं होने दिया, उन्होंने बहुत समझाया लेकिन गणेश जी माने नहीं। अंत में हम सब ने सुना हुआ है कि उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर अलग कर दिया धड़ से। तो पार्वती जी ने देखा तो बहुत परेशान हुई और उनको कहा मुझे तो ये जिंदा चाहिए मेरा बेटा। तो फिर जो है हम सब ने सुना है कि हथनी जो है अपनी बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि कोई भी जो जीव जंतु, जो माँ अपने बेटे की तरफ अपना सिर भी पीठ करके सोई हो तो उसको लेके आना है, तो उसका फिर शीश जो है उस बच्चे के ऊपर फिट कर दिया गणेश जी, जिनको हम कहते हैं फिर गजानन हो गए वो। तो ये सिंबॉलिक, ये सिंबलिज्म है। हम सब भी कौन हैं? हम सब भी शिव पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब भी गणेश हैं। अब हम शिव बाबा को याद करते हैं ना सभी, तो कौन ठहरे हम सब? गणेश। अगर परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हम विघ्न विनाशक भी हो जाएंगे एक दिन। अभी तो हमारे विघ्न क्यों आते हैं? विघ्नों का कारण होता है हमारे में नॉलेज की कमी हो, हमारे में एग्जीक्यूशन की कमी हो, हमारे में पावर की कमी हो। तो अब जब ज्ञान भी होगा, शक्ति भी होगी, प्लान भी होगी, एग्जीक्यूशन भी होगा, तो हमें सफलता मिल जाएगी। दूसरा जो सिर बदलने का प्रतीक होता है, कि जो हमारा पहले शरीर था, मतलब सिर था, वो अहंकार पूर्ण था, उसको चेंज करके गजानन जैसे, जिसकी हमने अभी व्याख्या की थी कि आंखें छोटी होने का क्या प्रतीक, कान बड़े होने का क्या प्रतीक है, हमें एक जो योगी है, तपस्वी है, ज्ञानी है,
राजयोग का अभ्यास करने वाला है उसको कैसा होना चाहिए, उसके कान बड़े होने चाहिए, दूर दृष्टि आंखें होनी चाहिए, सेंसिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बोलना कम होना चाहिए, मीनिंगफुल ही बोलें, पर्पजफुल ही बोलें, जब भी बोलें हमारी वाणी में शक्ति हो, तो ये सब गणेश जी का प्रतीक है। हम सबको भी शिव पुत्र की तरह, गणेश जी की तरह हमें भी बनना है, हम गण ईश बने, हमारे साथ जो लगे हुए लोग हैं उनको हम गाइड कर सकें, वो तभी कर सकेंगे जब हम शिव पिता से जुड़े होंगे, क्योंकि गणेश ने क्या किया था, उन्हीं की परिक्रमा की थी, शिव की परिक्रमा की थी, माता की परिक्रमा, पार्वती की परिक्रमा की थी। अपने माता पिता का भी हम अच्छे से ध्यान रखें, ये भी एक प्रतीक है, और दूसरा उनके जितने भी गण थे, नंदी वगैरह, उन सब का वो लीडर थे, तो हमें भी अगर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है अपने जीवन के अंदर, तो हमें गणेश जी जैसा होगा। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम, कोई मान लो फैक्ट्री है उसको मैनेज करना है, तो गण जो उनके सहयोगी हैं उनको कैसे चलाना है, ये सब हम गणेश जी से सीखते हैं। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि भारत में जो भी त्योहार हैं, परंपराएं हैं, या गणेश जी हैं जो हमें बड़े विचित्र स्वरूप वाले दिखाए गए हैं, इन चीजों के अर्थ हैं, उनके अलंकारों के अर्थ हैं, हर चीज का अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। तो ये गणेश चतुर्थी जी का मैंने आध्यात्मिक अर्थ बताने की कोशिश की है, आशा है आप सबको पसंद आया होगा। अभी हम जो है शेयर करेंगे मुरली के पॉइंट्स। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा? यस सर। तो आज का मुरली मंथन के जो मुख्य बिंदु हैं वो हम लेने जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम शिव पिता से नई नई रूहानी बातें प्रतिदिन सुन रहे हो, जैसे तुम आत्माएं अपने घर परम धाम शांति धाम जहाँ ब्रह्म तत्व है, छठा तत्व, वहां से रूप बदलकर हम साकार शरीर धारण करती हैं, हम सब आत्माएं कहाँ से आए सृष्टि रूपी रंगमंच पर, परम धाम से, ब्रह्म महातत्व से, ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं, वहां से हम यहाँ आकर माता के गर्भ में प्रवेश हुए, वहां शरीर मिला हमें। तो इसी तरह बाबा कहते हैं, मैं भी धर्म गलानी के समय आता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, ताकि सारी जो दुखी अशांत पापाचारी आत्माएं बन गई हैं संसार के अंदर, जो धर्म गलानी हो गई है, तो मैं भी निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आके अपना जो है पार्ट बजाता हूँ, क्योंकि बिना शरीर के ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। परमात्मा की महिमा हम सब जानते हैं, अपरंपार है, उसको कहते अनिर्वचनीय, शास्त्रों ने क्या शब्द दिया, अनिर्वचनीय, इनडिस्क्रिबेबल, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता परमात्मा को। गॉड इज नॉलेजफुल, जिसमें सच्चिदानंद जब कहते हैं तो इसमें चित्त शब्द जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, चैतन्य, चैतन्य जो होगा उसमें ज्ञान अवश्य होगा। तो परमात्मा नॉलेजफुल है, वो ब्लिसफुल है, वो सुख दुख से परे है, वो आनंद में है निरंतर, उसके ऊपर ना सुख का असर ना दुख का असर, वो हम सबको लिबरेट करने आता है दुखों से, पापों से, पीड़ाओं से हमें मुक्त करने आता है, वो गाइड बन के आता है हमारे, जैसे अर्जुन का गाइड बना ऐसे हमारा गाइड बन के आता है। अब तुम बच्चे सब जानते हो हमें कहाँ लेके जाएगा परमेश्वर, अपने साथ लेके जाएगा, शांति धाम लेके जाएगा, वहां से हमें सुख धाम में भेज देगा, सतयुग त्रेता के अंदर वहां सुख धाम है। भगवान शिव कहते हैं जब नई रचना होती है तो पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, सटल वर्ल्ड, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं,
संगम युग पर हम वहां सूक्ष्म फरिश्ता बन के आ जा सकते हैं, तो जब लेकिन परम धाम से जब आत्में आती हैं तो डायरेक्ट सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं। बाबा ने कहा बच्चों को बैकुंठ का परम धाम का साक्षात्कार बाबा कराते हैं, मुझे भी परम धाम का साक्षात्कार जब मैं ज्ञान में आया था तो शुरू शुरू में बाबा ने कराया था, और एक बार श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ था, बहुत ही सुंदर। तो वह अनेक आत्माओं को जहाँ जो हमारे इस ज्ञान से जुड़ी हैं, अनेक अनेक आत्माओं को डिवाइन विजन होते हैं, बैकुंठ का होता है, परम धाम का होता है, लक्ष्मी नारायण का होता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन संपूर्ण साक्षात्कार से कोई पवित्र नहीं बन जाएगा, उसके लिए तो बाबा को याद करना होगा, और वो भी अशरीरी होकर, बॉडीलेस होके, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है, शरीर को परमात्मा से नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसलिए शरीर को तो भूलना है, शरीर को भूल के आत्मा में स्थित होके फिर परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से टेलीपैथिक कम्युनियन ही है एक तरह से हमारा। जितना हम प्योर होते जाएंगे उतना हमारा कम्युनिकेशन बहुत सुंदर होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बाबा ने कहा बच्चों को साक्षात्कार होता है, भले इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं दुनिया वाले, पर कैसा होता है वो जानते नहीं, ना साक्षात्कार किया है, क्योंकि आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को कैसे जानेंगे। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो हमें क्या कराते हैं, सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करवाते हैं, सेल्फ को रियलाइज कराते हैं, सोल को रियलाइज कराते हैं कि तुम आत्मा हो, हे अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम वस्त्र नहीं हो, ये शरीर तो वस्त्र है, तुम तो वस्त्र ही हो, इस वस्त्र को पहनने वाले हो, तुम तो आत्मा हो। तो ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज से ही जो है हमें परमात्मा जो है ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज आके हमें देते हैं, तो हम भी ट्रूथफुल हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को लोग देखो कितने हमने देखे जिनको 700 के 700 श्लोक याद हैं बहुत अच्छे से, लेकिन बाबा कहते हैं कि कंठस्थ तो कर लेते हैं, रोड टू देयर मेमोरी, पर क्या गीता ज्ञान हृदयस्थ हुआ, हृदय में उतरा, आत्मा में उतरा, आत्मस्थ हुआ, क्या जीवन बदला, क्या संस्कार बदले, क्या टेस्ट है कि हमें ज्ञान हुआ है, उसका है कि आपके संस्कार बदलने चाहिए, आपके जो विकार हैं उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए, तभी तो लगेगा ना कि हाँ ज्ञान हुआ है, योग का अभ्यास करते हैं। तो हमें ज्ञान को हृदयस्थ करना है, आत्मस्थ करना, आत्मा में उसको पी जाना है, हमने ज्ञान को पी जाना है, याद नहीं कर लेने कुछ सेंटेंस। शिव पिता कहते हैं सभी आत्माएं आपस में ब्रदर हैं, सभी आयरन एज, कलयुग को कहते आयरन एज, सतयुग गोल्डन एज, त्रेता जो है सिल्वर एज, द्वापर जो है कॉपर एज, और कलयुग जो है वो है आयरन एज। कलयुग में सभी दुखी अशांत आत्माएं हो जाती हैं क्योंकि माया के अधीन हो जाती, माया रावण सबको ठग लेता है। तब मैं आता हूं और परमात्मा आके क्या करते हैं जो है राम राज्य की स्थापना करते हैं, रावण राज का अंत करते हैं। शिव पिता कहते हैं भारत ही पहले सुखधाम था, क्योंकि सबसे प्राचीन कौन सा देश है, सबसे प्राचीन देश हमारा भारत देश है, यही सबसे प्राचीन है, यही हेवन था। कहते ना बाइबल में भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से पहले जो है हेवन था, वहीं लक्ष्मी नारायण का राज था। कब था, किसने ऐसा बनाया, किसका राज चला, कितने दिन चला, किसने कैसे जीत पाई, कैसे ये राज्य मिला योग बल से, ये कोई दुनिया वाले नहीं जानते। जो शिव बाबा आके हमें इस वक्त समझा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं, राम सीता कैसे बनते हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या विधा है, क्या विधान है, वो हम विधि विधान सब समझ रहे हैं इस वक्त। सतयुग की दुनिया में पावनता की सुगंध थी, खुशबू थी, अभी कलयुग में अपवित्रता की दुर्गंध है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो दुर्गंध की तरह है, वो बैड स्मेल की तरह है, बदबू है वो, फाउल स्मेल। इसलिए मीठे बच्चे बुद्धि से इस मायावी दुनिया को भूलते जाना है, और जो आगे स्वर्गिक दुनिया आ रही है उसको याद रखना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कभी रोना नहीं है, ये अनेका अनेक मुरलियों में बाबा यही कहते हैं, बच्चे
रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए सपना सिलोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, जो आपके सपनों के खिलौने हैं अगर टूट भी जाए रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात हो। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ज्ञान में आती है, तो सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के पश्चात भी कितनी स्ट्रांग रही, कोई भी जाता था उसको ज्ञान सुना देती थी, लोग अचंभित थे कि ये क्या, अरे ब्रह्मा कुमारी इतनी मतलब ज्ञान की शक्ति है कि इतना जवान बेटा और वो भी प्रॉमिसिंग बॉय वो चला गया फिर भी इतनी मनोदशा, तो ये ज्ञान का असर होता है। बाबा कहते कभी रोना नहीं, परमात्मा हमें रमणीक एवं गहरे राज सुना के अपना राजदार बना रहे, उन्हें सुन के हमें धारण करना है, अन्यों को भी ज्ञान धारण करवाना है, तथा स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल तभी मिलेगा, जैसे गणेश वो स्पिरिचुअल लीडर है, इसलिए हमें भी गणेश जी की तरह बनना है। आज से अपने को सभी गणेश समझो, जो गणेश जी के गुण है वो जीवन में धारण करो, शिव पुत्र के गुण, महावीर बनना है, गणेश जी महावीर थे, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। आप ये चेक करो अपने भीतर कि मेरा कहीं आकर्षण तो नहीं है किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी वैभव में, कि मैं तो फलानी चीज के बगैर रह नहीं सकता, तो फिर वही बंधन है आपका। और अगर आपको मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको वो आकर्षण से मुक्ति हो जाएगी। आप कहते हैं पहले कहा करते थे दिल्ली के मीना बाजार से निकल गए लेकिन कहीं आकर्षण नहीं हुआ, आप कहीं से भी निकल गए बड़े से बड़े बाजार से निकल गए कहीं आकर्षण नहीं हुआ, बड़े बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के पास से गुजर गए, आपकी जीभ ने कुछ मांगा नहीं, नहीं तो आजकल जीभ जो है लोगों की ये चाहिए वो चाहिए, एंडलेस डिमांड्स हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो महावीर बच्चे हैं उनको इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए थोड़ा सा अपना लेते रहे संसार से जो लेना है, नहीं तो देना ही देना है, वो स्वयं को एक सेकंड में न्यारा बाप का प्यारा बना सकते हैं। तो एक सेकंड में न्यारा हो जाना है दुनिया से और बाप का प्यारा बन जाना है। प्यारे किसके, संसार, उल्टा नहीं कर देना, ये संसार के प्यारे हो जाए और बाप से न्यारे हो जाए, परमात्मा से तो न्यारे हो जाए दुनिया के प्यारे हो जाए फिर रोना पड़ता है, लेकिन प्रभु के प्यारे हो जाए दुनिया से न्यारे हो जाए और सबसे बहुत प्यार से रहे, अंत तक सबके साथ बड़े प्रेम से निभाएं, मोह से नहीं, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती। आज का स्लोगन था एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तपस्वी कौन, जिसकी एक रस स्थिति है, उतार चढ़ाव मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर हर वक्त विराजमान है। तो हम आत्माओं को भी तपस्वी बनना है, तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे सब तपस्वी कुमार हैं, तपस्वी कुमारियां हैं, तो आप सबको तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारियां बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, गणेश चतुर्थी की आप सबको पुनः मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। कपिल जी भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कपिल जी आप पूछ सकते हैं। कपिल जी जरूर कहें, अपने विचार भी बताएं कि कैसा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल जी, ओम शांति जी। ओम शांति, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो गणेश चतुर्थी की। आपको भी बधाई हो। दो सवाल हैं जो चार पांच दिन से चल रहे हैं, मे भी आज आप एक आंसर कर दिए, एक टाइम हो तो नेक्स्ट में कर दिएगा। ठीक है ठीक। एक तो ये था कि जैसे गोल सेटिंग समझा था कि काफी इम्पोर्टेंट है जी, गोल को पाने के लिए गोल सेटिंग करेंगे, हमें गोल पता होगा, टाइम डिफाइन करेंगे तो गोल को पा पाएंगे। स्पिरिचुअल गोल्स परमात्मा प्राप्ति या हमारा कल्याण होना, भगवदगीता में कहा हमारा गोल है, बट टाइम बाउंड उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे मेजर करें ताकि हम उसको ट्रैक करते रहे और मिस ना हो।
ऐसा है कि अगर हम रोज ईमानदारी से सत्संग करते रहें जी, और जो हमारे 24 घंटों में हमारे पास जो टाइम मिलता है, और हम कुछ टाइम निकालना भी पड़ेगा, रात हमारी अपने हाथ में होती है, उसमें से कुछ टाइम डिडक्ट वहां से करो, कुछ अमृत वेले थोड़ा जल्दी जागो, कुछ दिन के अंदर जो है बीच बीच में गायब हो जाओ, मतलब अंदर डुबकी लगा लो हर घंटे में या हर दो घंटे में जब आपको समय मिले, जब आपको लगे ऑफिस काम से या बिजनेस में किसी को, तो वहां तो अपनी इच्छा भी चल सकती है। तो गोल सेटिंग तो बहुत क्लियर है और टाइम बहुत थोड़ा है, ये भी समझ लो टाइम जो है थोड़ा है और काम बहुत बड़ा है। तो हमें वो कहा करते हैं 20 नाखून लगाने पड़ेंगे, पूरा डट के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सेल्फ प्योरिफिकेशन है, सेल्फ जो है सैंक्टिफिकेशन है, सेल्फ डिटॉक्स करना है। तो उसके लिए जितनी जल्दी हम करें, इसके लिए सबसे बड़ी बात है वो है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। बाबा कहता है कि अपने साथ प्रतिज्ञाएं करो। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन तो हम करते हैं, फुल अटेंशन होता है, फिर बाबा कहते हैं फुल कट जाता है, अटेंशन रह जाता है, और कुछ समय बाद अटेंशन भी नहीं, टेंशन हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपने लिए खुद ही गोल सेटिंग करनी। मान लो आपके अंदर क्रोध का विकार है, उदाहरण के तौर पे क्रोध है किसी में, तो पहले वो सोचे कि मुझे 21 दिन तक जो है क्रोध नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन आप प्रतिज्ञा करोगे उसी दिन ही हालात ऐसे आएंगे कि आपको क्रोध की पूरी संभावना मिलेगी, क्योंकि कुदरत जिस वक्त आप प्रतिज्ञा करते हो ना, पेपर लेने को तैयार हो जाती है। अगर आपने 21 दिन निकाल दिए अपने पक्के इरादे से, फर्म डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प से, आप उसको 21 को फिर 21 से और एक्सटेंड कर दे, ऐसे 6 महीने तक पहुंचे, साल तक पहुंचे, ये गोल सेटिंग खुद की खुद ने करनी है। क्योंकि हरेक को पता है मेरे में कौन सा विकार मुझे तंग करता है। हमारी सबसे बड़ी क्या है, हमें विकारों के जो विकार हैं उनकी इंटेंसिटी अब कम होनी चाहिए। हरेक में एक विकार प्रधान होता है, ये याद रखो। किसी में काम प्रधान है तो किसी में क्रोध प्रधान है, किसी में लोभ प्रधान है सारे विकार, लेकिन प्रधानता एक की होती है। तो अपने को चेक करना है मुझे कौन सा विकार तंग करता है, तो उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम कैसे होगी। उपाय एक ही है, वो है मेडिटेशन, और वो है ज्ञान, ज्ञान योग, और साथ में दिव्य गुणों की धारणा और सेवा। हम किसी को जब कहेंगे नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, तो खुद अपने आप नहीं करेंगे। जब टीचर किसी को सिखाता है तो खुद सीख रहा होता है। तो बाबा ने सेवा क्यों कहा हम आत्माओं को करने के लिए, कि जब मैं आपको कहता हूं ना कपिल जी क्रोध नहीं करना, तो अगर मैं करूंगा तो मुझे टोकने वाले बहुत हो जाएंगे कि आपने तो सारी सभा में किया था, कहा था, और आप ही नहीं कर रहे। तो आप जब 10 लोगों को बताएंगे कि काम करो लोभ मोहकार से बचना है, दिस इज आवर गोल सेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तो आप जो है उसको फिर जीत पाते हैं। अगर आपने ओपन एंडेड रख दिया ना किसी भी चीज को कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, और उसके कोई टाइम फ्रेम आपने रखा ही नहीं, टाइम लाइन रखी नहीं, तो फिर वो काम नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपने साथ ही अपनी गोल सेटिंग करनी है। स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म गोल्स, देन लॉन्ग टर्म गोल्स। और जब आप थोड़े थोड़े अपना मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, तो यू विल फील हैप्पी एंड इलेटेड। तो इसलिए जो मैंने बताया है उसको अगर हम अपने जीवन में उस ढंग से धारण करेंगे कि एक एक पॉइंट पकड़ लो, मेरे में कौन सी सबसे बड़ी कमी है, लेट अस स्टार्ट विद दैट, और उसके लिए एक टाइम फ्रेम दो, दैट इज योर ओन चॉइस। आप हफ्ता देते हो, 10 दिन देते हो, 20 दिन देते हो, दिस इज योर चॉइस। लेकिन जो कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिर ये नहीं कहना जी मैं क्या करता, ऐसा हो गया था, बाबा कहते मैं कारण सुनने नहीं आया हूं।
तुम्हारे पास 1000 से ज्यादा कारण होंगे किसी भी चीज के लिए, ना करने के भी 1000 कारण है और करने के भी 1000 कारण है। जिन्होंने करना है वो 1000 कारण करने के ढूंढ लेते हैं, और जिन्होंने नहीं करना है वो 1000 कारण ना करने के ढूंढ लेते हैं। तो बहाने बना लेते हैं, लेकिन कोई बहाना चलेगा नहीं। कितने विघ्न आए उनको पार करना है और मेहनत करनी है। जब हमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा ना विजय का, विन विन सिचुएशन का अपने लिए, तो फिर हमें जो है आनंद आना शुरू हो जाएगा और आपको खुद ही लगेगा यार मजा आ गया। आई समझ में? तो जो मैंने बताया है उसको उसी हिसाब से, हर आत्मा का अपना तरीका है, लेकिन गोल सेटिंग हर एक की अपने कमियों के अनुसार है। क्योंकि हम लोग यहाँ किस लिए आए? टू मिनिमाइज आवर एरर्स एंड मैक्सिमाइज आवर वर्चूस। अपनी हमारी एरर्स जो है मिनिमाइज हो जाएं और जो गुण है वो मैक्सिमाइज हो जाएं। परमात्मा भी इसलिए आया बच्चे, अपनी कमियां कमजोरियां दूर करके परफेक्ट बन जाओ। दिस इज ए रेस टुवर्ड्स परफेक्शन। स्पिरिचुअलिटी इज ए रेस टुवर्ड्स परफेक्शन एंड एक्सेलेंस। तो परफेक्शन और एक्सेलेंस के लिए भी पीपल आर वर्किंग, और वो हम सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। वो सुबह जरूर आएगी जब नरक से भी गंदी दुनिया स्वर्ग बनाई जाएगी। वो सुबह जरूर आएगी, हम बस ठान लें, और वो सुबह हम ही से आएगी। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो अभी आप बना के ना अपना मुझे पूछेंगे कि आपने गोल सेटिंग क्या रखी है। आई विल नाउ सुपरवाइज यू। ठीक है, मजा आएगा। थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। समय हो गया है, आप सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूँ। गणेश चतुर्थी जी की आपको सबको मुबारक हो। और आज पता हो क्या कहते हैं, चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वो कहानी मैंने बताई। ये सारी जो है बातें, इनके कई बार कोई ऐसे अर्थ भी होते हैं, जैसे तुलसी को प्रोटेक्ट करना था, ये मेडिसिनल प्लांट है, तो उसके साथ कथानक जोड़ देते थे महापुरुष, तो आज तक कंजर्व है वो, कंजर्वेशन की टेक्निक है ये। तो जो भी चीज को कंजर्व करना होता था तो इस तरह से उनके साथ कोई अच्छी स्टोरी जोड़ देते थे, कहानी, ताकि वो, अब तुलसी विवाह होता है, देखो कितनी, भारत देश कितना महान है, यहाँ पे पेड़ पौधे सबके साथ आदमी जुड़ा हुआ है, फ्लोरा एंड फाना के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें भी अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है। सत्यम शिवम सुंदरम हम सबके जीवन में उतरे, इसी भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी हाथ जोड़ लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी आत्माएं जुड़ी हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद।